हेलो एवरीवन ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल आज के वीडियो में देख रहे हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का डेफिनेशन एंड मीनिंग हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं बीबीए और बीबीएम का सेकंड सेम एनईपी सिलेबस उसका सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सो so, आज से कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के ऊपर सो so, आज फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं फर्स्ट वीडियो है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फर्स्ट डेफिनेशन देख के उसके बाद मीनिंग देखेंगे हम आर हच आर का मीनिंग क्या होता है हच का मीनिंग सिंपल है इसमें कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जैसे मैनेजमेंट तो पता ही है मैनेजमेंट यानी द आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग द पीपल और एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का मीनिंग मैनेजमेंट क्या है एक आर्ट है जो रिसोर्स जो कंपनी के रिसोर्सेज रहते हैं या तो फिर कुछ एक्टिविटीज रहते हैं उन सबको मैनेज करना मैनेज किया जाता है मैनेजमेंट में सो so, मैनेजमेंट का तो मीनिंग आपको मालूम ही है या आप कॉमर्स लिए जब से पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो भी लोग मतलब जो भी ह्यूमन कंपनी के लिए काम करता है उसे ह्यूमन रिसोर्सेस कहते हैं जो भी लोग कंपनी में काम करते हैं कंपनी के लिए काम करते हैं उसे ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं अब ह्यु आर में क्या पढ़ना है आपको जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन सबको मैनेज करने का आपको हच में पढ़ना है जैसे आप जाके हच मैनेजर बन गए फ्यूचर में सो आप को आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपको क्या करना होगा जो आपके नीचे के जो मैनेज जो आपके नीचे के इंप्लॉयस रहते हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हैं आप सब ये सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं सो चलिए फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रैंडल एस स्कॉलर रैंडल एस स्कॉलर एक प्रोफेसर है उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो देखते हैं चलिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व ऑल द मैनेजमेंट डिसीजन एंड प्रैक्टिस डेट डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुंस द पीपल और ह्यूमन रिसोर्सेस हु वर्क फॉर द ऑर्गनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्वस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या क्या इन्वॉल्व करता है ऑल द मैनेजमेंट डिसीजन जो मैनेजमेंट डिसीजनस आते हैं जो मैनेजमेंट ऊपर लेवल के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट्स रहते हैं उनके डिसीजनस और प्रैक्टिस जो जो अफेक्ट करते हैं वो सब जो भी एफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो कंपनी के लिए काम करते हैं एम्प्लॉयज उनको जो भी मैनेजमेंट की तरफ से जो भी डिसीजंस उनको एफेक्ट करते हैं वो सबको स्टडी करके वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व करता है हेच आर मैनेजर सो आपको हच आर मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है हच आर मैनेजमेंट क्या है अकॉर्डिंग टू रैंडल स्कॉलर रैंडल स्कॉलर क्या है रैंडल स्कॉलर एक प्रोफेसर है वो कह रहे हैं कि जो भी मैनेजमेंट डिसीजन एंड प्रैक्टिस जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं पीपल को जो काम करते हैं आपकी कंपनी में वो जो अफेक्ट करते हैं उन सबको स्टडी करके उन सबके प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है हच आर एम में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में रैंडल एस स्कॉलर ने कहा है एक बहुत ही अच्छा आपको मीनिंग दूंगा मैं वो हेचआर मैनेजमेंट का सो so, चलिए देखते हैं ये मीनिंग आ गया ह्यूमन मैनेजमेंट रिफर्स टू द दिस्टमेटिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग ट्रेनिंग मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग पर्सनल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक अप्रोच है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो क्या क्या काम करता है उसमें वो दिया देखिए जो भी नए नए कैंडिडेट्स रहते हैं आपको कैंडिडेट्स जो रहते हैं कंपनी में वो सब आपको आपको ही सेलेक्ट करना होता है जो कैंडिडेट्स कंपनी के लिए रहते हैं कंपनी के लिए जो आपको इंप्लॉयज होना पड़ता है सो so, वो सब काम कौन करता है हच करता है हच मैनेजर करता है सेलेक्ट करने का और जैसे ही वो सेलेक्ट होंगे उनको ला कंपनी में ला उनको ट्रेनिंग देने का रहता है वो भी काम कौन करता है हच मैनेजर करता है सो वो ट्रेनिंग होने के बाद उनको मोटिवेट जो वो डीमोटिवेट होते जाते हैं काम में सो वो मोटिवेशन का भी काम किस करता है हच आर मैनेजर करता है एंड रिटेनिंग पर्सन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी उनका परफॉर्मेंस है जो परफॉर्मेंस मोटिवेशन के बाद जो उनको रिटेन करना रहता है वो सब भी काम हच आर एम का ही रहता है सो so, जो भी काम ह्यूमन रिसोर्सेस रिलेटेड रहता है जो भी आपके इम्प्लॉयज़ के रिलेटेड रहता है ये सब हच आर मैनेजर ही करता है सो इट इज़ कंसर्न विध रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल सो एच आर एम मेन कंसर्न रहता है कि जो कैंडिडेट्स को या इम्प्लॉयज को सेलेक्ट करें ट्रेनिंग दे और उन्हें डेवलप करें ये सब काम रहता है हच आर मैनेजर का सिर्फ सिर्फ ट्रेनिंग देना ट्रेनिंग देना रिक्वायरमेंट करना सिर्फ इतना ही काम हच आर मैनेजर का ही नहीं रहता इसमें उनका प्रमोशन ट्रांसफर का ट्रांसफर कहाँ करना है उसका प्रमोशन कब करना है और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पीपल्स को जो इंप्लाइज को कंपनी में काम कर रहे हैं वो सब सॉल्व करता है हेच आर एम हैच आर मैनेजर ये सब काम करता है हेच आर एम सो आपको ये सब डिस्कस करना है आगे जाके सो so, ये सब्जेक्ट में सब यही रहेगा ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ना होगा आपको हच आर प्लानिंग के बारे में पढ़ना होगा प्रमोशंस के बारे में पढ़ना होगा ये सब आपको इस सब्जेक्ट में रहेगा सो so, बहुत ही खुशी से हमारे ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और बहुत ही खुशी खुशी सब्जेक्ट को एंड करेंगे सो so, चैनल के साथ जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच